वो देखो भाई क्या ही नजारा गाइस, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम गाइस, ड्रीम जैसा लग रहा है यार। खूब जलने वाला है भाई, धूप में तप गया। सो अभी हम निकलने वाले हैं गोपालपुर के लिए। हाँ सो गोपालपुर के लिए रास्ता कहाँ से जाता है मुझे पता नहीं। सो आई एम फॉलोइंग जोजो सांगे। तो मेरे सामने एडवेंचर निकल रहा है। ये एडवेंचर और हिमालयन दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है, मतलब ना बिल्कुल सेम है यार, जो इनका पोजीशन सब कुछ सेम है, लाइक बॉडी का पोजीशन सब कुछ, बस थोड़ा बहुत माइनर चेंज, जैसे कि इसका जो सीट हाइट है थोड़ा ऊंचा है एंड जो इंजन का ट्यूनिंग भी दोनों का काफ़ी अलग है अगर वो बोलेंगे तो। बट एज इन लुक्स तो कोई भी अगर ये एडवेंचर देखता है ना तो बोलता है कि यार ये हिमालयन है क्या। मैं बोलता हूँ नहीं यार, हिमालयन नहीं, हिमालयन का नया राइवल है। अभी हम निकल रहे हैं, ये योल कर लिया रास्ता निकलता है यहाँ से, प्रॉपर योल नहीं है इसको, सिद्धबाड़ी कहते हैं, सिद्धबाड़ी। थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रैफिक, तो यहाँ से आएगा अपना आर्मी का एरिया सामने, कैंट बोलते, कैंट एरिया। आज काफ़ी दिन बाद धूप निकला है और संडे है तो सब लोग बाहर निकल के आएगा ऐसा लग रहा है। ये अपना एडवेंचर क्या मस्त लग रहा है भाई, सेक्सी लग रहा है। चचो वाला यार क्या मस्त लग रहा है यार, एडवेंचर फुल फ्लेज, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है जो इसका वो लगाया ना। अपना हिमालयन भी आ गया सामने भाई, देखो भाई क्या ही लाइनअप चल रहा है, अपना हिमालयन एडवेंचर एंड मिडल में आपका स्क्रैम्बलर, लेट्स गो बेबी, मजा आ गया यार। यहाँ से लेना लेफ्ट टर्न, पुट योर लेफ्ट फुट इन राइट फुट आउट, वो देखो भाई लेट इस गो। वो पेट्रोल भर रहा है वो ना, इधर उधर वो भाई, अब तो मजा आ रहा होगा इस रास्ते में चला के। मस्त, तो कैमरा ऑन है क्या? हाँ ऑन है, ऑन है। ऐसा भगा रहा है जो तो पूछो मत भाई। अपना फ्यूल अप भी हो गया, हो गया फ्यूल अपना। मेरे को रास्ता पता नहीं है ना, रास्ता नहीं मालूम ना मेरे को। चलो 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 आगे। हाँ मेरे को रास्ता पता नहीं है ना। तो गाइस मुझे रास्ता मालूम नहीं है, मैं फ़ोन यहाँ रख सकता हूँ बट ग्रुप के साथ जाएंगे ना ज़्यादा मज़ा आएगा, और पीछे से इन दोनों को रिकॉर्ड करूँगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये अपना गैंगस्टर बॉय, यो ब्रो व्हाट्स अप आइलैंड बॉय। तो अपना हिमालयन ने भी फ्यूल अप कर दिया है, मैंने कल ही कर दिया था क्योंकि कल मैं थोड़ा फ्री था, शाम को एक राइड में गया और थोड़ा सा इवनिंग राइड पे,
एंड मैंने फिलअप कर दिया था, सोचो ना तो बहुत पहले ही कर दिया होगा। और ये काफ़ी धीरे चल रहा है भाई जी, तो ये गाइस ये राइड पूरा, मतलब ये व्लॉग पूरा मोटो व्लॉगिंग के ऊपर ही होने वाला है, तो मतलब पूरा बाइक ही होगा इस वीडियो में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट मेन थिंग इज बाइक, और बाकी सारा स्टोरी बाइक के इर्द गिर्द होगा। तो टेक केयर, ब्यूटीफुल ब्रिज। वो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, दिस इज फ्रीडम। रोलिंग द थ्रॉटल, ये फ्रीडम है गाइस, बट बी केयरफुल क्योंकि विद लॉट ऑफ पावर कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस जितना आपका बाइक पावरफुल है उतना डेंजरस भी होता है। मिरर में मेरा सो हियर गोज द हिमालयन गाइस। चामुंडा मंदिर, यह है धौलाधर नेचर पार्क गाइस, यहाँ पे नीचे में है एक नेचुरल पार्क है। क्या ही मजा आ रहा है यार गाइस, ये है ट्रैफिको हिमालयन, आगे पीछे में एडवेंचर, ये देखो। इस गाड़ी को बड़ा जल्दी है मैन, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यार ट्रैफिक ने इतना दिमाग खराब कर दिया था ना, मोड़ ही मोड़ आ रहा था ना गाइस, मोड़ में ओवरटेक क्या ही करना। यहाँ से लेफ्ट है, लेट्स गो। तो गाइस इधर से अपना लेफ्ट एंड घाट, ये तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए यार, क्या ही मस्त नज़ारा है गाइस। लेफ्ट में राइट में पूरा पेड़ वेड़, बीच में से हम अपना बाइक चला रहे हैं, ब्यूटीफुल। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। और यहाँ पे गाइस मौसम बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल ही मतलब अलग हो चुका है मौसम का हाल, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, चिल हो चुका है भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है यार, पूछो मत बोलना। जहाँ से जमाने तो गुजरे जमाना हुआ,
है अपना क्या कहते हैं इसका नाम क्या है एडवेंचर और हिमालयन दोनों एक साथ चल रहे हैं उसके पीछे आने आपका स्क्रैम्बलर बेबी स्क्रैम्बलर आई लव यू वो देखो भाई क्या ही नजारा गाइस इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम गाइस ड्रीम जैसा लग रहा है यार ड्रीम लग रहा है जस्ट सो गुड इन गाइस सो गुड इन मैं इन सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ आई मीन ट्राइंग टू लाइक ऑब्जर्व दिस नेचुरल ब्यूटी गाइस डैम ब्रो इट्स लुक सो ब्यूटीफुल भाई इतना खूबसूरत है यार कैमरा पता नहीं कैप्चर करेगा कि नहीं ओके और जो जो खड़े हो जो खड़े हो स्टैंड या जो भी आ रहा है अपना हाँ ओ भाई मैं जानबूझ के पानी से के पूरा गंदा कीचड़ कीचड़ हो गया ओ भाई आई होप इट इज रिकॉर्डिंग बोलना आई होप इट्स रिकॉर्डिंग मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ कितने तो नहीं उठाया मैं कितने तो नहीं लगा वो पूरा पानी सो अभी हम लोग फाइनली दोरजंग मनुष्य में पहुंच गए तीनों बाइक छोट लास्ट में थोड़ा सा इतना सा इतना सा थोड़ा बहुत ऑफ रोड था उसमें काफी मजा आया और मैंने चोचा के ऊपर अपने कीचड़ उड़ा दिया वो है इसमें जो भी थोड़ा बहुत कीचड़ उड़ाया मैंने उड़ाया है वो मैं आगे जा रहा था मेरा पीछे आ रहा था मैंने जानबूझ के कीचड़ में उड़ाया मैं चाचा थोड़ा पीछे रहा जानबूझ के स्लो हो गया बोलना ओ भाई चलो चलते हैं अंदर में ना मॉनेस्ट्री देखते कैसा है दोरजंग मॉनेस्ट्री ये अपना बाइक आगे गुरुद्वारा भी है आगे में गुरुद्वारा भी है देखते टाइम मिलेगा तो जाएंगे पहले यहाँ चलते हैं अंदर 7 बजे के बाद प्रवेश बंद है अभी तो भाई 1 बज रहा है सही टाइम में हम पहुंच गए सो दिस इज द एंट्रेंस यहाँ पे मैं काफ़ी साल पहले एक बार आया था तो बहुत साल वापस बाद आ रहा हूँ यहाँ पे अभी कोई भी टूरिस्ट नहीं है काफ़ी पीसफुल है गाइस बहुत ही मजा आता है मुझे ऐसा प्लेस पसंद है थोड़ा शांति थोड़ा लाइक टूरिस्ट और क्राउड से दूर टूरिस्ट बोलते ही सुनाई दे रहा है साउंड अभी टूरिस्ट लोग का क्या ही करें भाई हर जगह आ जाते हैं बंदे पहले आप एंटर करोगे तो आपको ये बुद्धा का स्टैचू मिलेगा ठीक है एंड लेफ्ट में है स्तूपा एक और स्तूपा पोल एंड स्मॉल स्तूपास एंड जो मेन मॉनेस्ट्री है अपना वो है ये तो ये मॉनेस्ट्री भी का लेगेसी काफ़ी पुराना है वो आपको धीरे धीरे बताऊंगा सो ये एक मंदिर जैसा है तो इसका भी हम चक्कर लगाएंगे यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हैं फोटोशूट चल रहा है
वो है। अभी मैं यहाँ का परिक्रमा करने वाला हूँ मंदिर का, एंड इधर का व्यू देखो क्या मस्त व्यू है। क्या कर रहे हो तुम लोग झाड़ी के पीछे? दूर दूर तक नजारा देख रहा हूँ, नजारा क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। इस तरह का मंदिर है कहीं पर भी मॉनेस्ट्री में आए, देन रिमूव योर स्लीपर्स, दैट्स अ गुड जेस्चर। मैंने पूरा मना किया। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि फोटो खींच लिया पूरा हमने, गोम्पा का चक्कर भी लगा लिया है, थोड़ा बहुत फोटोज खींच लिया हमने, एंड यहाँ पे आगे ठंडा पानी मिलता है, ठंडा पानी पी के जाएंगे हम लोग, थोड़ा प्यास लगता है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड कमेंट डाउन कि आपको क्या पसंद आया, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आगे सफ़र बहुत लंबा है। यूएसडी एडवेंचर चलाने वाला हूँ, आगे मैं थोड़ा सा ऑफ रोड है तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऑफ रोड में इसका सस्पेंशन कैसा काम करता है। तो वो है, तो जो संगे मेरा यूएसडी चला रहा है स्क्रैम्बलर, तो मैं चलाने वाला हूँ अपना एडवेंचर।